आज हम बनाएंगे हेल्दी और न्यूट्रिशियस बीटरूट पनीर की टिक्की, जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हमने 3 उबले हुए आलू को मैश कर लिया है, जिसे हम बोल में डालेंगे। अब इसमें हम 1 चुकंदर कद्दूकस करके डालेंगे, 50 ग्राम पनीर को मैश करके डालेंगे, और इसे चटपटा बनाने के लिए 1 हरी मिर्च बारीक काट के, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। बाइंडिंग के लिए यहाँ हम 2 बड़े चम्मच सिंगाड़े का आटा डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसे व्रत में बना रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों में घी लेकर थोड़ा थोड़ा मैश लेकर इसकी टिक्की की शेप तैयार कर लेंगे, और इसकी खूबसूरती बनाने के लिए 1/2 काजू इसके ऊपर लगाएंगे। ऐसे ही सभी को तैयार कर लेंगे। अब गैस पर पैन गर्म होने के लिए रखेंगे, घी से उसे ग्रीस करेंगे और फिर अपनी टिक्कियों को उसमें रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेकना है। एक साइड सेकने के बाद दूसरी साइड भी घी या ऑयल लगाकर इसे सेक लेंगे। दोनों साइड क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे और फिर धनिया पुदीने की चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए, हमारी हेल्दी और न्यूट्रिशियस बीटरूट पनीर की टिक्की बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।